प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो पेज मेकर के हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। डिफाइन द वर्क इन्वायरमेंट ऑफ पेज मेकर। पेज मेकर का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको डिफाइन करें। एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द वर्क इन्वायरमेंट ऑफ पेज मेकर डिस्प्ले अ न्यू पब्लिकेशन विंडो, अ ब्लैंक पेज, अ मास्टर पेज एंड करंट पेज आइकन्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, रूलर्स, कंट्रोल पैलेट, टूल बॉक्स एंड अदर पैलेट्स। ठीक है, तो ये पेज मेकर के वर्क इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके वर्क इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास वर्क इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक पब्लिकेशन विंडो होगी, एक ब्लैंक पेज होगा, मास्टर पेज और करंट पेज के आइकन्स होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स होंगी, रूलर्स होंगे, कंट्रोल पैलेट होगी, टूल बॉक्स और अदर पैलेट्स होंगी। इसको हम पेज मेकर में ही देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमने वर्किंग करनी है। ठीक है, तो पेज मेकर को मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कंपोनेंट्स ऑफ पेज मेकर, जिसमें मैंने आपको टाइटल बार, ये टाइटल बार है, यहाँ पे टाइटल आएगा यानी कि पब्लिकेशन का नाम आएगा, ये इसकी मेनू बार है, ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड टूल बार है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट में हमारे पास रहेगा एक ब्लैंक पेज, ये है, ठीक है, ब्लैंक पेज। इसके बाद एक रहेगा हमारे पास यहाँ पे ये मास्टर पेज और ये नॉर्मल पेजेस हैं। ठीक है, ये मास्टर पेज है। मास्टर पेज क्या होता है और नॉर्मल पेजेस में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको नेक्स्ट बताता हूँ मैं पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पे आर और एल लिखा हुआ आता है, ये हमारे मास्टर पेज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 में आएंगे वो हमारे नॉर्मल पेजेस होते हैं। ये हो गया इसका ब्लैंक पेज। ठीक है, इसके बाद इसका ये आगे इसके ऊपर रूलर बार, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार, ये यहाँ पे रहेगी इसकी, ये ऊपर इसका वर्टिकल बार है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार नीचे रहेगी, ये है इसकी हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है, पेज को इधर यहाँ पे इधर उधर करने के लिए वर्टिकल बार, ठीक है, ये वर्टिकल बार आ गई, ये इसका टूल बॉक्स है। ठीक है, टूल बॉक्स के बाद ये इसकी सारी की सारी पैलेट्स यहाँ पे आएंगी साइड में। इसके अलावा ये कंट्रोल पैलेट है, ठीक है, इसका ये कंट्रोल पैलेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मास्टर पेज यहाँ पे, ये नॉर्मल पेज के आइकन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका वर्क इन्वायरमेंट है जिसके अंदर रह के हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने फर्स्ट पॉइंट पे, टाइटल बार। द टाइटल बार विल डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द पेज और डॉक्यूमेंट नेम, टू सेव द डॉक्यूमेंट विद अदर नेम फर्स्टली सेव इट। ठीक है, जो टाइटल बार है वो डिस्प्ले करेगा हमारे डॉक्यूमेंट का नेम या पब्लिकेशन का नाम। अब इसको सेव करने के लिए सेम मैंने आपको प्रोसेस बता दिया था, सेम जैसे एमएस ऑफिस में सारे के सारे प्रोग्राम्स के लिए रहेगा, कंट्रोल एस दबाएंगे तब भी सेव के लिए सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे हमने फाइल का नाम यानी कि पब्लिकेशन का नाम एंटर करना है और उसको हमारे जो भी ड्राइव है, ड्राइव के अंदर फोल्डर बना है उसके अंदर सेव करना है। ठीक है, टाइटल बार। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, रूलर्स। द टॉप एंड लेफ्ट रूलर्स हैव टू पोजिशन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन द पेज। अब बात करते हैं रूलर्स की। रूलर्स मतलब पैमाना, पैमाना आ रहा है ऊपर इसके। ठीक है, द टॉप एंड लेफ्ट, टॉप में है और एक लेफ्ट साइड में है, वो हेल्प करेंगे हमारी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को पोजिशनिंग करने में। हमारा जो टेक्स्ट आएगा, हमारी जो ग्राफिक्स आएगी, ठीक है, वो रूलर हमें बताएंगे कि कितने कितने पिक्सल पे होगा या इंचज में रखना है, इंचज में भी रख सकते हैं, कहाँ पे आएगी। ठीक है, ये टाइटल है। टाइटल बार सेव कर देता हूँ मैं इस पेज को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन का एक फोल्डर बनाया था हमने लास्ट डे। ठीक है, तो इसके अंदर ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ, फर्स्ट पब्लिकेशन सेव, ये सेव हो गया और यहाँ पे पब्लिकेशन का नाम आ गया। ठीक है, फर्स्ट पब्लिकेशन का पीएमडी पेज मेकर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं रूलर्स की। ठीक है, ये इसका रूलर है पैमाना ऊपर, ये बताएगा मैं टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग का। जैसे यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया तो ऊपर ये साथ में देखो डॉटर लाइन में हमें हाईलाइट भी कर रहा है कि पोजीशनिंग कहाँ पे हो रही है, कितने इंचज के हिसाब से कहाँ पे हो रही है। ठीक है, और ये लेफ्ट रूलर है। ठीक,
के लेफ्ट और टॉप रूलर। इसके बाद आता है हमारा मास्टर पेज आइकन। द मास्टर पेज आइकन शोज द पोजीशन ऑफ द मास्टर पेज। अब ये जो मास्टर पेज आइकन है वो हमें पोजीशन करेगा शो मास्टर पेज की, ठीक है, मास्टर पेज। द चेंजेस मेड ऑन मास्टर पेज विल रिफ्लेक्ट ऑन द अदर नॉर्मल पेजेस सच एज हेडर फुटर एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो ना, मास्टर पेज का काम होता है कि जैसे मान लो कोई हेडर या फुटर कोई डेट डालनी है और वही सेम चीजें जो है हमारी नॉर्मल पेजेस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। द चेंजेस मेड ऑन मास्टर पेज, इनकी मास्टर पेज के ऊपर हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सारी की सारी चेंजेस जो है वो हमारे जितने भी नॉर्मल पेजेस होंगे उनके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डिस्प्ले द मास्टर पेज सेटिंग बाय क्लिकिंग ऑन विंडो मेनू एंड सेलेक्ट शो मास्टर पेज। अगर यहाँ पे मास्टर पेज शो ना करे तो हम इसको डिस्प्ले यहाँ से करवा सकते हैं, ये रहेगा हमारे पास विंडो मेनू के अंदर, वहाँ पे हम सेलेक्ट मास्टर पेज कर सकते हैं और ये वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी पब्लिकेशन के अंदर। तो जैसा मैंने बताया था, ये नीचे आर जो है ये रहेगा हमारा मास्टर पेज, ये नॉर्मल पेज है। अगर और पेजेस भी इंटर करने हो तो यहाँ से करेंगे हम, जैसे ये इंसर्ट पेज, ये आगे इंसर्ट पेज, इंसर्ट आफ्टर, ये दो पेजेस हो गए। आर जो है वो मास्टर पेज है, ये नॉर्मल पेजेस हैं, ठीक है। अब बात कर रहा था कि जो चेंजेस हम मास्टर पेज के ऊपर करेंगे वही चेंजेस जो है वो इन नॉर्मल पेजेस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि दिखाई देगी, ठीक है। तो मास्टर पेज जैसे ये है तो मैं मान लो यहाँ पे डेट ऐड कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसका मैं साइज जो है वो यहाँ से बढ़ा देता हूँ कंट्रोल पैलेट से, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नव भारत टाइम्स, ठीक है। अब ये चेंजेस की मैंने मास्टर पेज के ऊपर, यानी कि आर के ऊपर, ठीक है। अब यही चेंजेस जो है वो यहाँ पे भी है, सेकंड पेज पे भी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मास्टर पेज का काम होता है कि बार बार किसी चीज की एडिटिंग को अवॉइड करना हो, यानी कि वही चीज जो है वो जितने भी आगे चाहे दो हैं, चाहे दस हैं, चाहे बीस हैं, चालीस पचास जितने पेज हैं उनके ऊपर भी वही चीज़ चाहिए, यानी कि वही टाइटल चाहिए या वही फुटर चाहिए, यानी कि वही हेडर चाहिए, वही फुटर चाहिए। तो ये सारी की सारी चेंज जो है वो हम एक पेज पे करेंगे और सारे के सारे पेजेस पे ये रिफ्लेक्ट होगी। तो ये काम रहेगा हमारे मास्टर पेज का, ठीक है। तो ये मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट है। और मास्टर पेज का अगर डिस्प्ले ना हो तो यहाँ पे रहती है हमारे पास विंडो, विंडो के अंदर यहाँ पे शो मास्टर पेजेस वाली ऑप्शन, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। अगर शिफ्ट प्लस एट भी दबाएंगे तो भी ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेज आइकन। द पेज आइकन एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ द पेज विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस एंड बाय राइट क्लिक ऑन पेज आइकन वी कैन ऐड न्यू पेजेस एंड कैन रिमूव द पेजेस, ठीक है। अब देखो पेज आइकन जो सिंपल नॉर्मल पेज बताए, दी पेज आइकन एट द लेफ्ट बॉटम वो रहेंगे हमारे बाई तरफ नीचे है, ठीक है, बाई तरफ नीचे या मास्टर पेज के साथ वो रिप्रेजेंट करेगा एक पेज का नंबर, नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर। एंड बाय राइट क्लिक ऑन पेज आइकन, अगर मान लो हमने कोई एक्स्ट्रा और पेजेस ऐड करने हैं तो उस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड वी कैन ऐड न्यू पेजेस एंड कैन रिमूव द पेजेस आल्सो, ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं और पेजेस को रिमूव भी कर सकते हैं वहां से, ठीक है। जैसे ये है ना, अगर एक और पेज ऐड करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट पेजेस वन आफ्टर, या पहले चाहिए तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आफ्टर वाली रहेगी और इंसर्ट, ठीक है। ये तीसरा पेज भी हमारा यहाँ पे आ गया, ऐड भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके रिमूव पेजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, पेजेस को अगर हटाना हो यहाँ से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पेस्ट बोर्ड। द सराउंडिंग व्हाइट स्पेस एरिया ऑफ पेज इज कॉल्ड पेस्ट बोर्ड वेयर वी कैन प्लेस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ठीक है। अब एक एरिया रहेगा हमारा रफ वर्किंग के लिए, पेस्ट बोर्ड बोलते हैं जिसको। द सराउंडिंग व्हाइट स्पेस एरिया ऑफ पेज इज कॉल्ड पेस्ट बोर्ड वेयर वी कैन प्लेस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, हमारे पास पेस्ट बोर्ड भी रहेगा ये साइड में, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस करनी हो यहाँ पे की, यहाँ पे कलरिंग वगैरह की, और बाद में वही चीज जो है वो यहाँ से उठा के मूव टूल से यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है, काम के लिए। सराउंडिंग एरिया जो है पेस्ट बोर्ड बोलेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिन की, यानी कि हाशिया। द डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंट द पेज मार्जिन, ऑल द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आर प्लेस्ड विद इन द पेज मार्जिन। अब बात करते हैं पेज मार्जिन की, तो ये है पेज का मार्जिन, ये, ठीक है, ये छोड़ा हुआ है ऊपर से, ये नीचे से छोड़ा हुआ है और बीच में ये पेज जो है मेन, ठीक है।
The dotted line represent the page margin, all the text and graphic will place inside the margin. ठीक है, यहाँ पे place करेंगे सारा का सारा graphics. अगर इसको overlap करेंगे यहाँ बाहर लेके जाएंगे तो प्रिंटिंग में नहीं आएगा ये. ठीक है, जो चीजें भी आएंगी वो इसी पेज के अंदर रहेगी. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पेज बाउंड्रीज. पेज बाउंड्री रिप्रेजेंट द एजेस ऑफ द पेपर. इफ एनी आइटम ओवरलैप द पेज बाउंड्रीज देन इट विल नॉट प्रिंट. ठीक है, जो मैं बात बोल रहा था कि पेज की जो बाउंड्रीज है, जैसे पेज की बाउंड्री बनी हुई है ना, इन पेज की बाउंड्रीज की ओवरलैपिंग होगी, यानी कि बाहर को जाएगी चीज, तो वो प्रिंट एरिया में नहीं आएगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जैसे ये ओवरलैप कर रहा है तो याद आएगा प्रिंटिंग में और याद कट जाएगा. ठीक है, तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, पेज बाउंड्रीज के अंदर ही आना चाहिए ऑब्जेक्ट. ठीक है, स्क्रॉल बार्स. अ पेज मेकर हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स. अब बात करते हैं स्क्रॉल बार्स की. तो पेज मेकर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स रहेंगी. ठीक है, वर्टिकल जैसा कि मैंने बताया ये है इसकी वर्टिकल स्क्रॉल बार. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ये नीचे को है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार्स. उसके बाद आता है 9 नंबर पे है, 9th पॉइंट हमारा रिसाइज बॉक्स. अ रिसाइज बॉक्स एट द लोअर राइट कॉर्नर इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ विंडो बाय क्लिक एंड ड्रैग इट टू चेंज. ठीक है, अब एक रिसाइज बॉक्स रहेगा हमारे पास, वो भी राइट कॉर्नर में. ठीक, राइट कॉर्नर में नीचे यूज टू चेंज द साइज ऑफ विंडो, जहां से हम विंडो का साइज चेंज कर सकते हैं बाय क्लिक एंड ड्रैग इट टू चेंज, और ड्रैग करके भी उसको चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे सीधा सिंपल सा एक मेथड है, यहाँ पे चाहे इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इस तरह से 75% यहाँ से वो चली गई विंडो. यहाँ पे हमारा रहता है वैसे फिट इन विंडो, फिट इन विंडो रहता है. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइजिंग वाली ऑप्शन रहती है, ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर, है ना, जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए होती है साइजिंग. ठीक है, तो ये था हमारा रीसाइज बॉक्स. उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10, द कंट्रोल पैलेट. अब बात करते हैं कंट्रोल पैलेट की. ये आगे क्वेश्चन में डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, कंट्रोल पैलेट के बारे में. वैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये है कंट्रोल पैलेट. कंट्रोल पैलेट का काम है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना. ठीक है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देखो इसकी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करें, इनका पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे. ये कंट्रोल पैलेट है, ये कंट्रोल बॉक्स भी बोल देंगे इसको हम. ठीक है, तो ये है इसका कंट्रोल. इसके बारे में आगे डिटेल में क्वेश्चन में बात करते हैं टूल बॉक्स की. तो ये है टूल बॉक्स, इसके अंदर हमारे पास टूल रहेंगे. यहाँ पे एक पिक टूल रहेगा सिलेक्शन के लिए, टेक्स्ट टूल रहेगा, एक रोटेशन के लिए टूल रहेगा, क्रॉपिंग के लिए रहेगा, ये लाइंस हैं, और कुछ एक हमारे पास शेप्स रहेंगे. यहाँ पे पॉलीगोनल शेप्स भी हैं हमारे पास. ठीक है, सर्कल, एलिप्सिस हैं, और इसके अलावा रेक्टेंगल भी, ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, एक हैंड टूल रहेगा मूविंग के लिए, और एक जूम टूल रहेगा. ठीक है, तो टूल बॉक्स के बारे में भी आगे क्वेश्चंस में डिटेल में दिया हुआ है, इसके ऊपर अलग क्वेश्चंस बने हुए हैं. ठीक है, टूल बॉक्स क्या है, कंट्रोल पैलेट क्या है. ठीक है, ये आगे है. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, कल फिर इस नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे. ठीक है, तब तक के लिए आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें. जय जय हिमाचल.